नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सोमवार को महाराष्ट्र से थोड़ी राहत भरी खबर जरूर आई है। यहां रविवार की तुलना में सोमवार को नए मामले और नई मौतों में कमी आई है। वहीं मुंबई में भी संक्रमण के मामले 3,000 से भी कम सामने आए हैं। अच्छी बात ये रही कि नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों मरीजों की संख्या ज्यादा रही। हालांकि राजधानी दिल्ली में डराने वाले आंकड़े सामने जरूर आए हैं। महाराष्ट्र में यहां कोरोना के 48,621 नए मामले सामने आए हैं। 567 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के 18,043 नए मामले सामने आए हैं। 448 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 12,12,989 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और 17,414 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। पहले यहां 4 मई की सुबह लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये लॉकडाउन 6 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान केवल जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। मेडिकल शॉप, सब्जी, फल, दूध, किराना की दुकान ही खुल रहेंगे और इस दौरान जरूरी सेवाओं के लिए ई पास जारी किया जाएंगे। वहीं बिहार में भी लॉकडाउन लगने की पूरी पूरी आशंका जताई जा रही है। आज क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई गई है। माना जा रहा है कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से गणेश तिवारी जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं जो कि डराने वाले हैं, वो क्या कहीं का जिक्र करें, किसी भी प्रदेश का जिक्र करें, क्या हालात है इंदौर का अगर जिक्र किया जाए तो वहां के हालात कैसे हैं? देखिए योगेश, जिस कदर कोरोना की दूसरी लहर लगातार जो है बढ़ रही थी, तो निश्चित तौर पर सभी जगह, अगर किसी भी देश में किसी भी प्रदेश या जिले की बात है, तो हालांकि हर जगह जो है कोरोना की लहर आया वही है। लेकिन जो अप्रैल का माह था वो सबसे ज्यादा अहम था, और अप्रैल के माह में ही अगर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर इंदौर की बात करें या भोपाल की बात करें, सबसे ज्यादा जो है कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं। पॉजिटिव रेट भी सबसे ज्यादा सामने आया है। साथ ही अगर मौतों के आंकड़ों की भी बात करें तो सबसे ज्यादा अब तक की बात करें तो अप्रैल माह में सबसे ज्यादा मौतें भी सामने आई। हालांकि अब मध्य प्रदेश के लिए राहत की खबर जरूर है। जो मध्य प्रदेश पहले 7वां राज्य था पॉजिटिव दर में, अब वो 14वां राज्य बन चुका है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मध्य प्रदेश में राहत की खबर है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जो है कहीं ना कहीं अब थोड़ा कम नजर आ रहा है। लोगों को राहत की सांस लेने में महसूस हो रही है। और एक राहत सी भरी खबर जो है सरकार के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी सामने आ रही है। लेकिन हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में अभी किसी तरह से कमी नहीं आई है, लेकिन जो सैंपलिंग टेस्टिंग है वो जरूर मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा रही, जिसकी वजह से अगर उन आंकड़ों के हिसाब से, उन सैंपलिंग के हिसाब से बात करें तो मध्य प्रदेश में आंकड़े जो है अब कम आ चुके हैं। अगर पूर्व की बात करें तो जहां मध्य प्रदेश में 27.28% की दर से पॉजिटिव रेट था, आज वो 20% पहुंच चुका है। तो मध्य प्रदेश में काफी कुछ जो है संक्रमण की चेन तोड़ने में इजाफा मिला है। अब अगर योगेश, अगर मध्य प्रदेश में आंकड़ों की बात करें, जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े जो कल बीती रात जो है 24 घंटे में सामने आए हैं, तो करीब 60,000 मामलों की सैंपलिंग हुई थी, 60,000 सैंपलिंग हुई थी, जिसके बाद जो है 12,062 जो है पूरे मध्य प्रदेश में मामले सामने आए कोरोना संक्रमण के। वहीं 94 लोगों की इसमें 93 लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही अगर इंदौर की बात करें तो 1787 मामले इंदौर में आए हैं, तो वहीं 1669 मामले जो है भोपाल में सामने आए हैं। और अभी भी अगर बात करें तो 85,000 से ज्यादा मामले जो है पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव हैं। तो हालांकि कोरोना का संक्रमण दर तो अभी भी एक्टिव ही दिख रहा है, क्योंकि 85,000 से ज्यादा लोग जो है अभी भी मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से संक्रमित है और प्रतिदिन 1700-1800 आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी राहत भरी खबर है, सबसे ज्यादा जो जिसमें है वो है पॉजिटिव रेट।
क्योंकि जितने आंकड़े आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग जो है स्वस्थ होकर अपने घरों को भी जा रहे हैं। अगर कल की ही बात करें तो अगर 12,079 केस आए हैं, सामने आए हैं, तो 13,000 से ज्यादा लोग घरों पर स्वस्थ होकर कोरोना की जंग जीतकर अपने घरों को भी गए। तो हालांकि कहीं ना कहीं अब जो है रिकवरी रेट और ठीक होने वाले लोगों पर इजाफा हो रहा है, और ये सभी की वजह रही जो कोरोना कर्फ्यू था उसको कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू की वजह से कोरोना का जो ये संक्रमण दर था इस चेन को तोड़ने में सरकार जो है कामयाब रही, स्वास्थ्य विभाग काम रहा और आम जनता ने भी इसका भरपूर समर्थन किया, जिसकी वजह से आज एक बार फिर हम कोरोना की जंग जीतने के अग्रसर है। हालांकि अगर बात करें तो एक उम्मीद जरूर जगी थी जो थी वैक्सीन, अभी अगर सबसे ज्यादा कारगर थी वो वैक्सीन थी, और सरकार ने ये जरूर घोषणा की थी कि 18 साल के ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, परंतु हालांकि अभी नहीं दी जा सकी थी वैक्सीनेशन की कमी और शॉर्टेज की वजह से वो लाभ जो है 18 साल के ऊपर के लोगों को नहीं मिल पाया था, लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मई से यानी कि कल से एक बार फिर घोषणा की है कि वैक्सीनेशन का लाभ अब 18 साल के ऊपर के लोगों को भी दिया जा सकेगा। तो लगातार जो है संक्रमण दर को और इस पॉजिटिव रेट को चेन को तोड़ने के लिए लगातार जो है कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 10 मई तक अभी भी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, जिस पर अब दिन प्रतिदिन जो है ज्यादा संख्या की जा रही है, और इसी का नतीजा है कि हम कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। और एक बार फिर मध्य प्रदेश में जो कोरोना का लगातार कहर जारी था, लगातार जो है मध्य प्रदेश 7वां राज्य बन चुका था, अब वो 14वां राज्य बन चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं कोरोना के आंकड़े जो है अब राहत भरी खबर दे रहे हैं। जी चलिए, मतलब अगर मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए तो वहाँ पर राहत भरी खबर जरूर आ रही है, लेकिन वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अगर जिक्र करें, क्योंकि तमाम सारे राज्यों में जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें सुखद नहीं हैं, बेहद डराने वाली हैं। लोगों की मौत हो रही है ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, कालाबाजारी इस समय खूब हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के, बेड्स लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, अगर वहाँ के स्वास्थ्य महकमे का जिक्र किया जाए तो वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ की तस्वीरें जो होती हैं वो क्या बोल रही हैं, क्या वहाँ लोगों को पर्याप्त मात्रा में बेड्स मिल पा रहे हैं, क्या वहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है? देखिए योगेश, सबसे अहम अगर जो हमें कारगर जो है तमाम जो सुविधाएं आम जनता को देनी थी वो अप्रैल के माह में देनी थी, तो हालांकि मध्य प्रदेश सरकार भी उस चीज को चूक गई है, और अप्रैल माह में ही हमने देखा है कि सबसे ज्यादा चाहे वो किसी भी राज्य के जिले का हो की बात करें, देश के किसी हिस्से की भी बात करें, सबसे ज्यादा जो है संक्रमण और पॉजिटिव रेट और जो मौतें हुई है वो अप्रैल माह में हुई है। तो अगर स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं की बात करें तो हालांकि मध्य प्रदेश भी पूरी तरह से बदहाल ही नजर आया, यहाँ पर भी लोगों को बेड की समस्याओं से जूझना पड़ा, ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा और इंजेक्शन की कमी से भी जूझना पड़ा। अभी भी अगर बात करें तो हालांकि जो सरकार लाख दावे कर रही है कि तमाम लोगों को वो बेड प्रोवाइड करवा पा रही है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही है, इंजेक्शन प्रोवाइड कर पा रही है, पर अभी भी इन सभी सुविधाओं से मध्य प्रदेश की जनता अछूती है। लगभग 60% जो है आम जनता को अगर सुविधाएं मिल रही है तो 40% आम जनता अभी भी दर दर भटकने को मजबूर है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अभी भी होम आइसोलेट हैं क्योंकि उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है। और ज्यादातर देखने में सबसे ज्यादा योग्य अगर बात करें तो जो मौतें अप्रैल माह में हुई हैं वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, चाहे हम वो उज्जैन की जिक्र करें या फिर जबलपुर का जिक्र करें, भोपाल का जिक्र करें या शहडोल का जिक्र करें या इंदौर का जिक्र करें, अगर कहीं भी मौतों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालेंगे और उन शवों पर देखेंगे जो कब्रिस्तान और शमशान घाट पर लंबी लंबी वेटिंग के लिए जलाने और दफनाने के लिए वेटिंग सी लगी थी, उनकी अगर जिक्र करें तो सबसे ज्यादा वो मौतें हुई हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। तो हालांकि सरकार यहां पर भी और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से विफल नजर आया, लेकिन जो सुविधाएं अप्रैल माह में लोगों को मुहैया करानी थी अब सरकार जरूर जागी है। अब लगातार जो है नए नए कोविड सेंटर जरूर सरकार बना रही है, नए नए आइसोलेशन सेंटर बना रही है, ताकि लोगों को कोरोना की जंग में जीतने में और इस चेन को तोड़ने में सरकार कहीं ना कहीं कारगर साबित हो पाए। लेकिन वो सुविधाएं जो है हमें पूर्व में देनी थी वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता उन सुविधाओं को पाने के लिए अछूती रही, और यही वजह है कि मध्य अगर दूसरी
जगहों की, कई जगहों की बात करें तो मध्य प्रदेश भी उसी तरह सुविधाओं के मामले में, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बदहाली नजर आया। जी बिल्कुल, तस्वीरें ये कही जा सकती हैं आपके, जिस तरह के आपने बताया कि तस्वीरें लगभग सभी राज्यों की एक ही जैसी रही हैं, और जो लोग अन्य राज्यों की जो तस्वीरें सामने आ रही थी कि वहाँ पर भी ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रही थी, वही हाल मध्य प्रदेश का भी रहा कि वहाँ भी ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी किल्लत रही और अस्पतालों में टोटा रहा बेड का। इसके साथ ही अगर जिक्र किया जाए, जिस तरीके से विशेषज्ञों ने अब ये बात कही है कि अभी इस पूरे मई माह में लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मई माह में ये बताया गया है विशेषज्ञों के द्वारा कि अभी कोरोना का और भी प्रकोप बढ़ सकता है, लेकिन सरकारों की तरफ से हालांकि ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का अगर जिक्र करें तो क्या वो लॉकडाउन के पक्ष में है, क्योंकि अभी 10 अप्रैल, जिस तरीके से 10 मई तक आपने जिक्र किया कि लॉकडाउन वहां पर है, तो मिनी लॉकडाउन के तौर पर रखने के उम्मीद में है सरकार, या फिर आगे भी इस लॉकडाउन को बढ़ाने के फैसले ले सकती है, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जब तक लॉकडाउन लगता नहीं है तब तक इस चैन कड़ी को तोड़ा नहीं जा सकता। तो सरकार की मंशा क्या नजर आ रही है? निश्चित तौर पर आपने सही प्रश्न किया है कि पहली बात अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना कर्फ्यू की वजह से हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं इस संक्रमण की दर को तोड़ने में, जो लगातार पॉजिटिव रेट था उसको तोड़ने में कामयाब मध्य प्रदेश सरकार साबित हुई है, और जिसकी सबसे अगर कोई अहम वजह थी तो वो थी कोरोना कर्फ्यू। और हालांकि पूर्व में जनता जरूर लापरवाह नजर आई, लेकिन अब वर्तमान में जनता भी पूरी तरह से समर्थन कर रही है, और यही वजह है कि इस संक्रमण को तोड़ने के लिए दिन प्रतिदिन जो है लगातार जो है कोरोना कर्फ्यू को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। चलिए, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। तो कोरोना काल का जिस तरीके से लगातार कोरोना अपना तांडव मचा रखा है, देश भर में कोरोना का तांडव जारी है, और महाराष्ट्र से राहत भरी खबर जरूर आई है कि वहां पर जो मामले आए हैं वो थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन जो मौतों के आंकड़े हैं वो राज्यों का जिक्र किया जाए, दिल्ली का जिक्र किया जाए, तो वहां पर लगातार मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य सरकारें लगातार प्रयत्नशील हैं और ये बात कह रही हैं, वो दावे कर रही हैं कि लगातार उनके द्वारा सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरीके के कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े मरीजों को, और बेड बढ़ाए जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन भी मुहैया कराई जा रही है, नए नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, बाहर से ऑक्सीजन आयात की जा रही है, तो तमाम सारे फैसले लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, लेकिन जो मामले हैं वो अभी भी थमते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि तमाम सारे राज्य सरकारों ने लॉकडाउन का भी फैसला लिया है, मिनी लॉकडाउन का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव मिश्रा अयोध्या से जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से तमाम सारे राज्यों का जो जिक्र किया जा रहा है, मामले बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश में भी हालांकि थोड़ी सी राहत भरी खबर जरूर सामने आई है, वहां पर भी मामले थोड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना वहां भी थमता नजर नहीं आ रहा है। और अगर आने वाले समय का जिक्र करें तो पंचायत चुनाव अभी हुए हैं और नतीजे भी आ गए हैं 2 तारीख को, वहां पर जिस तरीके से जो गैदरिंग देखने को मिली, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही गई थी, लेकिन वो नजर आया नहीं काफी जगहों पर, तो क्या लगता है हालात वहां कैसे हैं? देखिए योगेश, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना को थमने के लिए अपने तमाम प्रकार के प्रयास को किया है, और कहीं ना कहीं कोरोना काल का जो केस काफी बढ़ता नजर आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं केस कम देखा जा रहा है, लेकिन हालांकि जो ग्राम पंचायत चुनाव हुए हैं वो चुनाव के दौरान कुछ केसेस बढ़े हैं, अब काउंटिंग हुई है, अब काउंटिंग में देखने वाली बात होगी कि कोरोना के जो केस है उसमें बढ़ोतरी होती है कि कमी होती है, लेकिन तमाम प्रकार की ऐसी तस्वीरें आए हैं जहां पर जो मतगणना हो रही थी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, लोग जो है बगल बगल खड़े होकर के ना मुंह पर मास्क दिख रहा था ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिख रहा था, तो अब देखने वाली बात होगी कि कोरोना के केस कितने बढ़ते नजर आ रहे हैं। चलिए गौरव, आप बने रहिए, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANV एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और एप स्टोर पर 9:00 ANV न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो इस पावन पवित्र स्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है इस स्थान तक पवित्र खूह है उस खूह करवाया। इस स्थान ते 25 सिंघां नूं ला के पहला श्री अखंड पाठ का प्रकाश इस पावन पवित्र स्थान ते होया। जिहड़ियां निशानियां ने सतगुरु जी दी चौंकी दे पावे कृपाण संख साहिब जो सतगुरु जी दीआं इतिहासक निशानियां ने। नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत्र। वाहे गुरु वाहे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम सारे राज्यों की जो तस्वीर आ रही हैं वो भय डराने वाली हैं। उत्तर प्रदेश का भी वैसा ही कुछ हालत है। हमारे साथ गौरव मिश्रा अयोध्या से जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। गौरव, जिस तरीके से जो जिक्र किया जा रहा था कि तमाम सारे मामले बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और पंचायत चुनाव का जिक्र किया गया कि पंचायत चुनाव में जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी, और आने वाले समय में ऐसे हालात बन सकते हैं कि अभी मामले और बढ़ सकते हैं। योगेश, आपको बता दें कि योगी सरकार ने मामला जिस तरीके से बढ़ रहा है, वही उत्तर प्रदेश में 2 दिन के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मई में बोर्ड परीक्षाएं होनी थी उसको भी रद्द कर दिया गया। कहीं ना कहीं कोरोना केस को कम करने के लिए सरकार अपना अहम कदम उठा रही है। लेकिन हालांकि जिस तरीके से अभी भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज बनी हुई है, हम नगरी अयोध्या की बात करें तो अभी 3 दिन में 3 लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो गई है, और महिला अस्पताल में लोगों को एडमिट करने के लिए कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। तमाम प्रकार की असुविधाएं अभी भी बनी हुई है। गौरव, एक पहल बड़ी अच्छी की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कोर टीम बना रखी थी, पिछले साल से बना रखी थी, वो टीम 11 थी, लेकिन उन्होंने अब उस टीम 11 को टीम 9 कर दिया है, जिसको देखते हुए राजधानी लखनऊ के डीएम ने भी एक लोकल प्रशासनिक का टीम 9 का गठन किया है। तो अगर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों का जिक्र किया जाए तो ये सीखते हुए कि अन्य जिलों में भी जिलाधिकारी वहां के जो हैं वो टीम 9 का गठन करें, और वो टीम 9 को जिम्मेदारी पूरी तरीके से दें कि किसी भी तरीके की कोई कोविड पेशेंटों को परेशानी ना हो, क्योंकि जो राजधानी लखनऊ में तय किया गया है वो यही है कि टीम 9 यही देखेगी कि कोविड 9 से जो पेशेंट हैं, जो तीमारदार हैं, उनको किसी भी तरीके की समस्या होती है तो उसको हल करने के लिए टीम 9 वो सामने आएगी। तो क्या अन्य जिलों में ऐसी पहल की जा रही है? देखिए, यहाँ पर टीम 9 का गठन कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ हवा हवाई नजर आ रहा है। तमाम प्रकार की टीमें गठन की जाती है लेकिन जनता द्वारा कोई भी सुनने वाला नहीं है। जैसे हालांकि तमाम प्रकार के टोल फ्री नंबर जारी किए जाते हैं कि लोगों को जो असुविधाएं होंगी वो सुविधाएं मुहैया की जाएंगी, लेकिन एक बात गौरव आप सही कह रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, नंबर दे दिए जाते हैं लेकिन नंबर लगते नहीं है तो अधिकारी उठाते नहीं। चलिए, आप नजर बना रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं, और यूपी में भी मामले रिकॉर्ड तोड़ सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ मामलों में कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन इसका मतलब अभी ये नहीं हो रहा है। अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है, विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है कि लापरवाही बरती जा सके, क्योंकि अभी ये आशंका जताई जा रही है विशेषज्ञों द्वारा कि आने वाले समय में मई माह के अंतिम दिनों तक अभी ये मामले और बढ़ सकते हैं, इसलिए लोगों को अभी सतर्क रहने की जरूरत है। सरकारों को भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लगातार जिस तरीके से राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाने की मुहिम छेड़ दिए हैं, अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग तरीके से लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो कहीं मिनी लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं साप्ताहिक बंदी की जा रही है, तो तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के जो मामले हैं वो थमते नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों की जो लापरवाही है वो भी सामने देखने को मिलती है। तो अभी लोगों को भी बेहद जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि वो बेवजह घर के बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड वॉश करें। लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपनी सावधानी को बरतते हुए ही इन मामलों को रोका जा सकता है, सरकार लगातार प्रयत्नशील है। तो सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को आगे बढ़ाने के लिए आम जनमानस को, आम जनता को भी सामने आना पड़ेगा, और सरकार का साथ
देना पड़ेगा। तो देश भर में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र से भी राहत भरी खबर जरूर आई है, वहां भी मामले थोड़े कम देखने को मिले हैं। दिल्ली में मौतों का रिकॉर्ड टूटा है। आपको बता दें कि दुनिया भर में अब तक के एक दिन में सबसे ज़्यादा जो मौतों के आंकड़े आए हैं वो दिल्ली में आए हैं, तो ये एक नया रिकॉर्ड दिल्ली ने भी बना लिया है। लगातार ये जो मामले आए हैं ये डराने वाले हैं। मामले जरूर रिकॉर्ड कम किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं ये डराने वाले हैं। इसलिए अभी राज्य सरकारों के साथ ही साथ आम जनता को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है और बेहद संजीदा रहने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार सरकारें जो ठोस कदम उठा रही हैं उनको पालन करने की जनता की बेहद आवश्यकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी एक बार फिर से मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कोरोना के मामलों का अगर जिक्र किया जाए, मुंबई में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि महाराष्ट्र से एक खबर जरूर आई है कि वहां पर जो मामले दर्ज किए गए हैं उनमें थोड़ी कमी आई है, तो हालात वहां के कैसे हैं? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआती दौर में सबसे पहले नाइट कर्फ्यू, उसके बाद मिनी लॉकडाउन, उसके बाद जिस तरह से कड़े प्रतिबंध लगाए थे उसको देखकर कहीं ना कहीं आम जनता जरूर जागरूक हुई है। लिहाजा मुंबई में जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में आंकड़े अभी भी बरकरार है। सबसे बड़ी चिंता के विषय मुंबई महाराष्ट्र में है, जो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता है, जब वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश के साथ चाहती है कि मौत के आंकड़ों को लगाम लगाया जाए। बिल्कुल सत्य प्रकाश, लेकिन जिस तरीके से मुंबई में जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा तमाम सारे कड़े कदम भी उठाए गए हैं, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, और अभी वहां जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जो वहां पर बंदी की गई है, क्या ये मई पूरी इस तरीके से बंदी के निकलने के आसार जताए जा रहे हैं? क्योंकि अभी हमने जिक्र किया कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि मई में अभी कोरोना के मामले बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि आने वाले समय में कोरोना के जो थर्ड स्टेज आएगी उसमें काफी भयंकर स्थिति हो सकती है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी मुस्तैदी भी कर रही है। जगह जगह जो है बेड लगाए जा रहे हैं, तमाम जो स्कूल थे उनको भी जो है क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। मेडिसिन की जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार जोर दे रही है केंद्र सरकार से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन किया जाए, लेकिन सत्य प्रकाश, जिस तरीके से अगर अन्य राज्यों का जिक्र करें तो तमाम सारे राज्यों में वैक्सीनेशन का जो अभियान चल रहा है वहां पर वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, जिसके तहत उन राज्य सरकारों ने यह फैसला लिया है कि अभी 18 साल के आसपास के जो उम्र के लोग हैं उन्हें वैक्सीन कम दी जा रही है, बल्कि उन लोगों को सर्वोपरि ज़्यादा रखा जा रहा है जो ज़्यादा उम्र दराज लोग हैं। तो क्या महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति बनी हुई है, या फिर महाराष्ट्र में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रही है तो वहां पर युवाओं को भी वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार बार बार कर रही है कि मुंबई में जिस तरह से 63 वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया उसमें सिर्फ 5 से 6 सेंटर चलाए जा रहा, बाकी सब बंद रखे गए पिछले 4 दिनों से। लिहाजा कारण बताया जा रहा है कि मुंबई में वैक्सीन ही नहीं है। ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन मुफ्त में किया जाएगा, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण तमाम वैक्सीनेशन सेंटर को बंद रखा गया है क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी किया है कि भीड़ को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे जाने से पहले आपको कोविन ऐप या फिर आरोग्य सेतु ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो लोकेशन दी जाएगी या वैक्सीनेशन सेंटर दिया जाएगा या तारीख दी जाएगी उसके हिसाब से आपको वैक्सीन सेंटर पे जाना है, अन्यथा नहीं जाना है, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है, उसमें संक्रमण की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने तमाम तरह के जो प्रतिबंध जरूर लगाए हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं होने के कारण काफी लोग हैं
तो उत्साहित जरूर है लेकिन वैक्सीन ही नहीं मिल रही है। लिहाजा रोज रजिस्ट्रेशन करते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है उनको सही दिशा और सही जगह का पता भी नहीं लग पाता। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। चलिए आप नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों का हुजूम लग रहा है, सरकार ने यह कह दिया है कि कोविन ऐप के जरिए आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर आप पहुंचिए, वहां पर वैक्सीन होगा। हालांकि सरकार को ये अभी फैसला लेने की जरूरत है कि जो कोविन ऐप के जरिए जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसको सरलीकरण की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहां पर अभी इसमें काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एनबी न्यूज। त्रिगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और एप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। है कोरोना को हराना है आपके हित में जारी। भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। गुरु तेग बहादुर सिमरी फतेह पुत्र स्थान धन धन गुरु अर्जन साहब जी शोभ प्राप्त, धन धन गुरु तेग बहादुर शोभ प्राप्त है, जिसका नाम गुरुद्वारा गुरु का बाग है। इस स्थान का नाम गुरु की रोड हुंदा सी, फिर सदगुरु ने बख्शिश करके भी जड़ा आखूगा गुरु का बाग उसनु लगन के दूने चौने भाग। ये सतगुरु का सांझा स्थान है धन गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जन साहब का। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश इस स्थान ते होया। इस पावन स्थान ते धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश दिहाड़े समूह संगतां वल्लों श्रद्धा भावना ते सत्कार सहित मनाए जांदे हन। वाहेगुरु।